हेलो फ्रेंड्स, ये कहीं अथी मैक्रोटेक का चार्जर है। इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, एलईडी तो ब्लिंक कर रहा है मगर कोई एम्पियर नहीं आ रहा है। देखिए, कोई एम्पियर नहीं है। इसका एम्प्टी ट्रांसफार्मर भी सेंस करके देख लिए, फिर भी कुछ समझ से बाहर जा रहा है। इसका अगर हम ड्राइव वोल्ट चेक करें तो वो भी प्रॉपर आ रहा है। हमको तो लगता है फ्रेंड कोई मॉसफेट इसका ख़राब हो गया है। तीन मॉसफेट में मॉसफेट भी खराब होगा तो ऑन कैसे हो जाएगा चार्जर? सीरीज बल्ब में लोड लेता है फ्रेंड, ऐसे नहीं लोड ले रहा। अगर ऑटो कपलर शॉर्ट कर दे रहे हैं तो चार्जर डेड कंडीशन में चला जा रहा है। ये देखिए, ट्रांसफार्मर आवाज़ कर रहा है इसका। अगर इसको यहाँ से यहाँ रिले शॉर्ट कर देते तो फुल चार्जिंग मारने लगेगा। कुछ नहीं हुआ। सेंट कॉइल को देखिए फ्रंट कहाँ से कहाँ एलईडी पहुँच गया। कोई फायदा नहीं। चलिए मेरे फ्रेंड, वीडियो में बने रहे, देखते हैं क्या फॉल्ट है। अगर हम देखते हैं एम्प्टी ट्रांसफार्मर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो अनुसार इस पे और इस पे सही से मॉसफेट ऑन नहीं हो रहा फ्रेंड। इसके अंदर ड्राइवर फॉल्ट है। यहाँ तो 50, यहाँ पे इस दोनों पे 60 वोल्ट या 70 वोल्ट एसी आता। ये देखिए फ्लक्चुएट होके आ रहा है 90 वोल्ट। अगर मॉसफेट का ड्रेन पे देखें। चलिए फ्रेंड, वीडियो बंद कर देखना पड़ेगा। दोस्तों, ये मैक्रोटेक का ई रिक्शा चार्जर, इसमें सीरीज लाइन में डाले हैं तार। यहाँ से डीसी है ऑन किए, यहाँ पे हम एलईडी लगाए। अब एलईडी लगाने के बाद देखिए फ्रेंड ये क्या हो रहा है। नौटंगी, हमको लगता है ये एलईडी उड़ गया है। ये देखिए, एकदम ज़्यादा लाइटिंग आ रहा है एलईडी में, एवं फ्लक्चुएट। इसका ड्राइवर सेक्शन में दिक्कत है। ठीक है फ्रेंड, अब ड्राइवर आईसी भी गड़बड़ हो सकता है, LM324 भी गड़बड़ हो सकता है, या तो कुछ ट्रांजिस्टर गड़बड़ हो सकता है इस कंडीशन में। अगर इसको हम डायरेक्ट लाइन में देते हैं, चलिए एक रिक्स खेलते हैं लाइव। चलिए इसको हम डायरेक्ट लाइन में देते हैं। देखिए, एक मॉसफेट इसका भी चला डायरेक्ट दे दिया फ्रेंड। एलईडी भी फूट सकता है या कुछ भी हो सकता है। ये देखिए फ्रेंड, चार्जर ऑन हो और फुल चार्जिंग मार रहा और पूरा। इस ड्राइवर में ज़्यादा वोल्ट है, उस ड्राइवर में कम वोल्ट है। इसका एलईडी पहले चेंज करते हैं फ्रेंड, दूसरा डाल के देखते हैं क्या होता है। ये देखिए फ्रेंड कैसे ब्लिंग ब्लिंग कर रहा है और चार्जर भी ऑन नहीं ले रहा। इसका ड्राइवर सेक्शन में फ्रंट फॉल्ट है। यहाँ ट्रांजिस्टर वगैरह चेंज करके देखेंगे या ये आईसी ख़राब है इसका। इस कंडीशन में समझिए तो आईसी ही ख़राब है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। धन्यवाद।